हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगा। इसमें तो सबसे पहले आप लोगों की ओर से जो मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की गई थी, इसके लिए आप सभी छात्रों का दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ कल कनिष्ठ सहायक के जो 746 वाली पदों पर जो भर्ती हुई थी, यानी UK SSC के माध्यम से, उसमें जिन भी छात्रों का अंतिम रूप से चयन हुआ है, उन सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ जो बंदरगाह का रिजल्ट आया हुआ है, उसमें चयनित छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये काफ़ी एक बेहतर प्रक्रिया जो मतलब UK SSC अपना रहा है, वो बहुत काबिले तारीफ है कि विद इन वीक या 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर रहा है। काबिले तारीफ है, वास्तव में ऐसा कभी भी किसी आयोग के द्वारा नहीं किया गया है। और ये अगर सारी चीज़ें पारदर्शी तरीके से आगे भी चलती ही तो बहुत ही मजा आने वाला है आने वाले समय में। ठीक है, एक छात्र के रूप में बच्चा चाहता क्या है, समय से एग्जाम हो, समय से उसका रिजल्ट आए, समय से ज्वाइनिंग मिले। हालांकि जो 746 पदों पे जिनका चयन हुआ है, उनको काफी लंबे समय के बाद अंतिम रूप से जो अंतिम चयन परिणाम जारी किया है, एक बहुत लंबा समय उन्होंने लिया। ठीक है, ये आज का नहीं है ये एग्जाम, ये लगभग 2.5-3 साल पुराना मुझे लगता है कि भर्ती होगी। ठीक है, तो देर आए दुरुस्त आए, अंतिम रूप से चयनित आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इसके अलावा बच्चों, जो होमवर्क की क्लासेस हम लोगों की चल रही है, उसमें क्योंकि बीच में मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, आज 17 हो गई और 8 से 10 दिन यानी आपका डिस्टर्ब रहेगा। उसके बाद मैं जब अपने जहां से मैं आपको क्लासेस देता हूं वहां जब मैं पहुंच जाऊंगा, फिर आपको रेगुलरली क्लासेस मिलेंगी और पूरी की पूरी जो स्टडी की वीडियोज हैं वो आपके सामने होंगे। ठीक है, तो आज हालांकि मैंने बेसिकली जो ये वीडियो बनाई है आप सभी लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए बनाई है, क्योंकि मैं आप देख भी रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में, मैं हूं ही नहीं ऐसी जगह पे जहां से मैं वीडियो आप लोगों के लिए दे सकूं। फिर भी जितना भी है आप लोगों के साथ संवाद स्थापित करने का मैं प्रयत्न करता हूं और करता ही रहूंगा। ठीक है, देखिए होमवर्क की क्लासेस के अंदर आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, यानी हमारा जितना भी हमने कवर किया था उसके अंदर हमने हिंदी वाले पोर्शन को बैक टू बैक कवर किया है। आप सभी लोग जानते हैं हिंदी के पोर्शन को आपने कवर करना था और हिंदी का पोर्शन लगभग आपका कवर हो चुका है। तो जो टॉपिक दिए हुए हैं हिंदी के अंदर, चाहे भाषा और हिंदी भाषा का विकास हो, स्वर व्यंजन हो, या इसके अलावा शब्द संरचना हो, शब्द भंडार हो, संधि हो, ये वो, ये सारा पोर्शन जो है आपको गूगल से MCQ करना है। इसमें रैंडमली टॉपिक उठाइए, ठीक है, क्योंकि हिंदी मुझे लगता है नहीं कि अब आपको इतनी देखने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा जो हिंदी साहित्य का जो सामान्य परिचय वाला जो पोर्शन है, उसमें मैंने क्या कहा था, एक बार आप लोगों ने सारा पोर्शन कवर कर लिया है, एक एक दो दो फिर से उठा के रिवीजन कर लीजिए, मेन मेन रचनाएं सब लोगों की पढ़ लीजिए। क्योंकि आज जैसा UK SSC कर रहा है, इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले 45 दिनों के अंदर आप लोगों में से जिसकी जॉब लगनी होगी उसकी लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए एक महीना भी नहीं बचा एग्जाम के, उसका उतनी तेजी से अगर रिजल्ट आएगा तो फिर तो आपके पास समय ही नहीं है, बिल्कुल भी समय आप लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे पास बचा है कि हम समय देगा फिर हम एग्जाम निकालेंगे, ये जो भी होगा वो देखा रहेगा। ठीक है, अब देखिए सामान्य बुद्धि परीक्षण वाला जो पोर्शन है, रीजनिंग वाला, मैंने कहा कि रैंडमली कोई भी टॉपिक पकड़िए, अपना ब्रेन जो है एक्टिव रखना है। ठीक है, कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि आपका फिक्स्ड है नहीं कि रीजनिंग का कौन सा प्रश्न वहां पर पूछा जाएगा। जो भी पूछेंगे आप अपने माइंड को अगर एक्टिव रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन हॉल में उसकी क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ ये जो पोर्शन है, जो GS वाला पोर्शन है, ठीक है, GS वाले पोर्शन के अंदर देखना, अब हमारा, मैं मान के चल रहा हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, सबसे पहले आप हिस्ट्री वाले पोर्शन से ही कीजिए। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, ये आपको कहीं से नहीं पढ़नी, ये आपको ल्यूसेंट या घटनाचक्र से करना है। ठीक है, इतना सफिशियंट होगा, क्योंकि अगर बार बार अगर आप इसके लिए मटेरियल ढूंढें, डीप स्टडी की कोशिश करें, तो इतना समय बचा नहीं है। जो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक काल है, इन तीन टॉपिक्स पे आज आपको काम करना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और इसके बाद उत्तर वैदिक काल, ये तीन पोर्शन जो हैं ये आपके आज के आज एंड हो जाने चाहिए, आज ही आप इसको क्या करोगे, समाप्त करोगे। और मैं जो सोर्स रहेगा लुसेंट ऑब्जेक्टिव या फिर घटना चक्र ऑब्जेक्टिव, इन तीनों से अगर आप कर लोगे तो ये बहुत बड़ा पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, आज एंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सीधे आप किसकी ओर आओगे, जैसे आप हिस्ट्री वाले पोर्शन को कवर कर लोगे, हिस्ट्री के साथ हम लोग चलाते हैं पॉलिटी, चूंकि पॉलिटी में ये मान के चल रहा हूं कि आपकी एंड हो चुकी है, इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं है कि आप अनोखा इसमें पढ़ें या कुछ भी, अब आपकी मर्जी। आप सिर्फ ध्यान से सुनना, सिर्फ आधा घंटा आपको ल्यूसेंट से ऑब्जेक्टिव लगाने हैं पॉलिटी के,
ठीक है, या घटनाचक्र से ऑब्जेक्टिव लगाने और रैंडम टॉपिक। अब ऐसा नहीं कि सिलेबस में हम ये पढ़ें, आप जैसे भारत के संविधान में विदेशी स्रोत आप पढ़ सकते हैं किसी दिन, किसी दिन भारतीय संविधान की अनुसूचियां पढ़ सकते हैं आप लोग, किसी दिन भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन है वो ल्यूसेंट या घटनाचक्र ऑब्जेक्टिव जो भी है रैंडमली। अब ये सिलेबस नहीं देखना है, सिलेबस तो आप एक बार देख चुके हैं ना कि आपका सिलेबस में क्या क्या है, वो आपको अब नहीं देखना है, ठीक है। तो ये मेन चीज आपकी थी, आप लोग ये जो ये वाला पोर्शन है होमवर्क वाला, आप इस तरीके से इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक। इसके बाद जो आपका आता है बच्चों उत्तराखंड का पोर्शन, उत्तराखंड के पोर्शन में चूंकि हम लोग हमेशा आप जानते हैं, मैं पहले आपको स्टार्टिंग यही कराता हूं कि ये मानते हुए कि आपकी जिला सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज और उत्तराखंड की हिस्ट्री एक बार कंप्लीट हो चुकी है, अगर आप इन तीनों चीजों को एक बार कंप्लीट कर चुके हैं तो 10-10 मिनट आप इसको रिविजन करेंगे, और बहुत होता है बच्चों 10 मिनट, ठीक है, यानी 10 मिनट हिस्ट्री, 10 मिनट मतलब उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट सीरीज, 10 मिनट इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज अगर आप इसको कवर कर लेंगे तो ये अपने आप में आपको एक आपके ब्रेन को एक्टिव रखेगा, आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करेगा, और जितनी जल्दी होगा आपका जो मतलब सिलेबस होगा वो भी इसके माध्यम से कवर हो जाएगा, ठीक। इसके साथ परीक्षा वाणी का चैप्टर नंबर आज मुझे लगता है कि 10 या 11 होगा, यानी उसका नेक्स्ट चैप्टर जो भी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपने ऊर्जा खनिज संसाधन कंप्लीट कर दिया है, इसके अलावा मृदा वाला जो चैप्टर है, पशुपालन पशुधन वाला वो कंप्लीट कर दिया, इसके बाद एक चैप्टर था पर्यटन स्थल वाला जो बहुत लेंथी चैप्टर था, मैंने आपसे कहा था, लेकिन आपका बहुत ईजीली आपने उस चैप्टर को कवर किया होगा क्योंकि उसमें जो पोर्शन था वो सब जिला सीरीज के अंदर कराया हुआ है। आप खुद से परीक्षा वाणी का जो मैंने चैप्टर कराया था उसका नेक्स्ट चैप्टर आज क्या करेंगे, आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जितना आपको मैंने कराया था उसका जस्ट नेक्स्ट चैप्टर आप सीधे टारगेट रखेंगे तो वो आपका आज कंप्लीट होना चाहिए। ये रहा आपका उत्तराखंड वाला पोर्शन, ठीक है। इसके बाद आपका जो आता है बच्चों कंप्यूटर का पोर्शन, क्योंकि कंप्यूटर का जो पोर्शन है, कंप्यूटर के पोर्शन के अंदर आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, जो हम यूनिट वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, यानी यूनिट वन आपने कर लिया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, यूनिट टू मैंने कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 3 दिन आपका लेगा, आज तीसरा दिन है, आज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। छोटे छोटे टॉपिक दिए हैं, अगर आप इसको गूगल के माध्यम से भी सर्च करेंगे वहां भी आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी, तो आप यूनिट टू आज क्या होना चाहिए, आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट यूनिट वन और यूनिट टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दो टॉपिक्स पे आपका ये दोनों ही टॉपिक क्या हो जाने चाहिए, कंप्लीट हो जाने चाहिए, तब जाके आपका क्या होगा, कंप्यूटर वाला पोर्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। ये था आपका होमवर्क वाला पोर्शन। अब आता है मेन चीज, ठीक है, क्योंकि देखिए रिजल्ट जो जिस तरीके से मतलब जितने तेजी से रिजल्ट आयोग के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं, एक शुभ संकेत आप लोगों के लिए भी है, जो बहुत लंबे समय से आप लोग वेट करते आए हैं कि यार अब इसका एग्जाम होगा, कितना समय लेगा, क्या लेगा, क्या नहीं लेगा, तो उससे कहीं ना कहीं ईमान के जरिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं बच्चों के साथ कि यार हम लोग पढ़ तो रहे, रिजल्ट आते हैं, नहीं आते हैं, ये है अलाना फलाना, कई प्रकार के विचार आते हैं, ठीक है। और ये मान के चलिए वीपीडीओ वीडियो जो आपका, क्योंकि रिविजन ही आपको इसके लिए करना है और बहुत ज्यादा समय इसका बचा नहीं है, क्योंकि आप मान के चलिए 20-25-25-30 दिन जो बचे हैं एग्जाम के, 20-25 दिन, वो उसके अलावा 10-15 दिन जैसा आयोग कह रहा है, ठीक है, 40-45 दिनों में आपको ये पता चल जाएगा कि आपका भविष्य क्या है, यानी जो स्पेशली जिसके पास फिलहाल यही एग्जाम बचा है, इसके बाद विकल्प ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतने लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सेलेक्ट हो चुके हैं, ज्वाइनिंग भी अब इनकी मिलने वाली है, पटवारी तब तक कंप्लीट हो जाएगा, कांस्टेबल चला गया है, कनिष्ठ सहायक का यहाँ आ चुका है, फॉरेस्ट गार्ड चल रहा है भर्ती प्रक्रिया, दूसरे कनिष्ठ सहायक की चल रही है, यानी एक बहुत बड़ा मास जो है आपका दूसरी जगह सेटल होने वाला है, तब तक आपका एग्जाम भी होगा, उसका रिजल्ट भी आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, सब चीज होंगे, ये मानते हुए कि आप लोग उस चीज से वाकिफ हैं, उस चीज को आपको दिमाग में लेते हुए चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मानो कि जो हमारा जो समय बचा है इसको अभी भरपूर यूज कीजिए, इसका यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि ये रिवीजन के जो दिन हैं ये बहुत काम आपके आने वाले हैं। कोई नई चीज नहीं पढ़नी है, नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कुछ भी हमने ये नहीं देखना है कि अब 20 दिन बचे हैं, अब क्या रणनीति अपनाएं, 15 दिन बचे, भाई आपका जो सिलेबस है आप उसको सही तरीके से रिवीजन करके जाइए। और अब आपको मैं वास्तव में एक चीज बताऊं, समय आ गया है कि आप सिलेबस से हटके घटनाचक्र और ल्यूसेंट के ऑब्जेक्टिव लगाना आप शुरू कर दो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लगाओगे अपने दिमाग यानी अपने ब्रेन को एक्टिव रखोगे, क्योंकि एक प्रैक्टिस हो जाती है, और मेरी नजरों में तो घटनाचक्र बहुत बेहतर विकल्प है, क्योंकि वो घटनाचक्र की जो प्रैक्टिस सेट है वो पुराने एग्जाम जो एग्जाम कराए हुए हैं आयोग ने उसके माध्यम से, यानी अलग अलग डिफरेंट स्टेट में जो आयोग हैं उन्होंने जो एग्जाम कराए हैं उसके जो क्वेश्चन है उसका एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है, यानी उस वो अलग अलग जो भर्तियां होती हैं उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उनको इंट्रोड्यूस कहां किया गया है, घटनाचक्र में किया गया है, तो वो सब चीजें आपकी वहां पर मिलेंगी, तो आप एक कहीं ना कहीं इस चीज से मतलब आपको आइडिया आएगा कि
आयोग का माइंडसेट क्या रहता है, किस तरीके से किसी टॉपिक से वो क्वेश्चन करता है। अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब हम कभी भी सिलेबस को कंप्लीट करके जाते हैं बहुत समय ये होता है, यानी कई बार आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, हम सिलेबस पढ़ के जाते हैं एग्जाम में कुछ और ही दिखता है, ये होता है ना सबके साथ। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड आप सिलेबस वाइज नहीं पढ़ सकते हैं, उत्तराखंड का तो क्या पोर्शन है, रैंडमली आप जो मिलता है वो पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ भी पूछ सकते हैं। आप यकीन नहीं करोगे आप क्या पढ़ के गए हो, क्या पूछ देगा आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है, ये उत्तराखंड वाले पोर्शन में। तो उत्तराखंड का तो वही तरीका है, जिला सीरीज पढ़िए, इंडिविजुअल पढ़िए, परीक्षा वाणी पढ़िए, उत्तराखंड का इतिहास पढ़िए, जो टॉपिक मिलता है जहां से मिलता है उसको पढ़ते रहिए। अब समय क्योंकि कम बचा है, अब आपका अगर आप यहां से ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव या घटना चक्र ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर पाते हैं तो जीएस में कहीं ना कहीं इस बार आप फ्रंट फुट में खेलोगे, ठीक है। ये क्योंकि आप एक बार सिलेबस भी पूरा पढ़ लें, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लगा रहे हैं, आप घटना चक्र वगैरह लगा रहे हैं, तो कहीं क्या इससे ज्यादा कुछ और थोड़ा ना पूछता है। आप निरंतर प्रयास तो कीजिए, आप इस तरीके से बढ़ते तो जाइए। और हाँ, जिन छात्रों का अभी तक नहीं हो पाया इतने एग्जाम में, उनको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब समय आपका ही है बच्चों, ठीक है। एक बार कोशिश कीजिए वीडियो को बेहतर तरीके से डील करने की, सही तरीके से आपका वो एग्जाम हो जाए। उसके पास हमारे पास आपको भले ही आज नहीं दिख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा यार कोई विकल्प नहीं है, अब क्या करें कैसा करें, विकल्पहीन हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पे इस स्टेज पे आके पीछे नहीं हटना है, क्योंकि 2023 का वर्ष जो है अंतिम, जो 2023 दिसंबर तक का जो समय है, उसको कहीं ना कहीं उस दौरान भले ही आप किसी नए विज्ञापन के लिए मैं तो वेट कर रहे हैं, तो उसका फॉर्म भरें फिर उसकी तैयारी करें या जो भी है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट 2023 दिसंबर तक जो भी विज्ञापन प्रकाशित करेगी उतने विज्ञापन तक उस एग्जाम तक आपको क्या करना है, पूरी तरीके से तैयार रहना है, ठीक है। भले वो अक्टूबर में आए, सितंबर में आए, जुलाई में क्यों ना आ जाए, उनके लिए आपको तैयार रहना है। और एक अंतिम कोशिश, क्योंकि कई बार क्या होते हैं हम लोग जहां पर पीछे हटते हैं वहीं पे हो सकता है कि हमारी अंतिम कोशिश जो होती सफल होती। तो हम इतना जब आगे आ चुके हैं, इतना हमने अपना रास्ता तय कर दिया है, इतने समय से हम लगे हैं, तो हमारे पास नोट्स बने हैं, हमें पढ़ने का तरीका पता है, हमारे बेसिक्स कंप्लीट हैं, तो हम यहां पर क्विट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और क्विट करना भी नहीं चाहिए। और यहां पर अगर आप अभी भी हिम्मत रख के, हिम्मत के साथ अगर आप बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलना कल आने वाला भविष्य जो है आपका होगा। आप इन्हीं बच्चों को देख लीजिए, ये कितना तड़पे हैं जो कनिषा है कि जो आप मतलब जॉइनिंग होगी, ठीक है, भले ही आपको आज दिख रहा होगा इसकी जॉब लगी, उसकी लगी, इसकी लगी, यहां लगी, लेकिन वो जब दर दर भटक रहे थे, वो रोड में चक्कर खा रहे थे, आयोग के चक्कर लगा रहे थे, उस समय उनका दर्द क्या था उसको भी आप महसूस कीजिए, ठीक है। लगा हुआ इंसान, जॉब में लगा हुआ इंसान, दिखा हुआ इंसान बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन उसके संघर्ष की कहानी, उसके पीछे क्या स्टोरी है वो बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। जो उस चीज को समझता है तो वो ये जानता है कि यार आज नहीं तो कल हमारा भी समय आएगा, हमारा भी दिन आएगा, हम भी एग्जाम क्रैक करेंगे, हमें भी सफलता मिलेगी, हम भी इन चुनौतियों को पार पाके कहीं ना कहीं अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। इस उम्मीद के साथ, इन्हीं मतलब एक जो पॉजिटिव वाइब्स है आपके अंदर, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है स्टडी को लेके, उसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके की अप्रोच अपनाते हैं, ये मानते हुए कि यार हम एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन इंसान है, हम आशावादी इंसान है, हम आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होंगे, इस सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपको अपनी मेहनत जो है वो निरंतर रखनी है, पूरी की पूरी ताकत आपको लगा देनी है अपनी स्टडी के पीछे, क्योंकि वक्त बदलने में वक्त बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। आपका समय भले ही अभी नहीं आया है, आप उसी समय का जो आप वेट कर रहे हैं कि यार कब हमारी जॉब लगेगी, क्या लगेगी, हालांकि कहना बहुत आसान होता है, जैसे आपको लग भी रहा होगा सर तो कह देते हैं, लेकिन कब तक पढ़ें क्या पढ़ें ये सब मैं समझता हूँ, लेकिन अगर आपके पास विकल्प नहीं है कोई, तो एक अंतिम प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे फिर से कहूँगा, जिन बच्चों का कनिष्ठ सहायक में अंतिम रूप से चयन हो चुका है, उनको आगामी भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बेहतर वहाँ पर शासकीय सेवाओं में भी अपना प्रदर्शन करेंगे, इसके साथ साथ जो आने वाले बड़े एग्जाम होंगे उसकी तैयारी भी आप करेंगे, निरंतर आप आगे मतलब उन्नति के पथ पर अग्रसर होने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो बंदरों है, बंदरों का के फिजिकल के लिए जो अपडेट आ चुके हैं, क्योंकि लिखित पर जो एग्जाम था उसमें जिन बच्चों का चयन हो चुका, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब शायद मेरे ख्याल से उसमें फिजिकल होगा, कई बच्चे तो कह रहे थे पहले, मुझे तो नहीं पता, कह रहे थे कि सर फिजिकल होगा, नहीं हुआ, पहले हुआ है, वो जो भी है मुझे लगता है कि होगा फिजिकल भी, ठीक है, वो तो होगा ही, उसमें कल रिजल्ट दे भी दिया, उसमें आपने चेक भी कर लिया होगा, तो उस चीज के लिए भी आपको शुभकामनाएं। और जिसका अभी तक कहीं नहीं हो पाया उसको आने वाले भविष्य के लिए, यानी आने वाले एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा अपना, थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस क्लासेस का मैं मानता हूँ चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी इसका भी समाधान हो जाएगा, 10 दिनों के बाद आपकी क्लासेस प्रॉपर लिया जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।